अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑफ एजुकेशन, 12th एजुकेशन, लेसन नंबर 10, एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन, डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है 12th एजुकेशन में, लेसन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। ये हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा डिफेंसिव मैकेनिज्म। अब एक इंडिविजुअल को एडजस्टेड रहने के लिए, एक इंडिविजुअल को मल एडजस्टमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिफेंसिव मैकेनिज्म्स एडेप्ट करने पड़ते हैं, कुछ डिफेंसिव मैकेनिज्म्स अपनाने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, पहले हम देखेंगे डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या होता है। These are those mechanisms which helps individual in protecting himself against psychological dangers। बेटा ये वो mechanisms होते हैं जो एक individual को protect करते हैं किससे बेटा, अपने अंदर psychological dangers से। अपने अंदर, एक individual के अंदर बहुत सारे psychological dangers होते हैं। बेटा आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, साइकोलॉजी कहती है जो हमारा माइंड है इसमें बेटा छह हिस्से हैं, दो एस्पेक्ट से इसके, डायनेमिक एस्पेक्ट एंड टोपोग्राफिक एस्पेक्ट। टोपोग्राफिक एस्पेक्ट में बेटा इद, ईगो एंड सुपर ईगो, डायनेमिक एस्पेक्ट में कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो ये अलग अलग प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। दे सेव द ईगो फ्रॉम बींग टॉर्न इन टू पीसेस। जब आप मल एडजस्टेड हो जाते हो, जब एक इंडिविजुअल, एक चाइल्ड मल एडजस्टेड फील करता है, उसका ईगो टूट जाता है, उसका ईगो पीसेस में बिखर जाता है। ठीक है बेटा, मतलब उसको उस टाइम क्या लगता है कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। ठीक है बेटा, इन मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ, और वो अपना मेंटल हेल्थ मेंटेन नहीं रख पाता है। मेकिंग एडजस्टमेंट एंड कीपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल स्टेबल। उसी टाइम हम कहते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म से हम क्या काम करते हैं, हम उसको फिर से एडजस्टमेंट करवाते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। ठीक है बेटा, मतलब हम कह बोलते हैं बेटा डिफेंसिव मैकेनिज्म्स वो मैकेनिज्म्स है जो एक इंडिविजुअल को अपने आप के अंदर मल एडजस्टमेंट कंडीशंस क्रिएट करने से बचाते हैं। फिर ये मल एडजस्टेड कंडीशंस ऑब्जेक्टिव कॉज से हो या बेटा सब्जेक्टिव कॉज से हो, या हम कहते हैं ये एक इंसान को बचाता है उसका ईगो तोड़ने, ब्रेक होने से। ठीक है बेटा, या ये मेंटेन रखता है उसमें मेंटल हेल्थ, ये उसको फिर से एडजस्ट कराता है और उसकी पर्सनैलिटी को स्टेबल बनाता है। ठीक है बेटा, बहुत सारे डिफेंसिव मैकेनिज्म एडजस्टमेंट के लिए हमें पढ़ने हैं। जैसे बेटा आइडेंटिफिकेशन है एक मैकेनिज्म, रेशनलाइजेशन है दूसरा मैकेनिज्म, सब्लिमेशन है तीसरा मैकेनिज्म, कंपनसेशन है चौथा मैकेनिज्म, एस्केपिज्म है फिफ्थ मैकेनिज्म एंड सिक्स्थ है बेटा फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। ठीक है बेटा, तो इन्हीं छह मैकेनिज्म्स के बारे में अब हमें पढ़ना है। पहला है बेटा आइडेंटिफिकेशन। तो बेटा आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, जब एक इंडिविजुअल अपने आप को सेटिस्फाई करता है दूसरों की सक्सेस से। ठीक है बेटा, वो अपनी सक्सेस किन में देखता है, दूसरों की सक्सेस में। एक इंडिविजुअल जब अपनी जिंदगी में किसी चीज में फेल होता है एडजस्ट करने में, किसी चीज में फेल होता है आगे बढ़ने में, वो अपनी सक्सेस को जोड़ता है बाकी लोगों के साथ। जैसे बेटा अगर आपको लगता है हम वीक है, हम अपने आप को सोसाइटी में आइडेंटिफाई कैसे कराएंगे, जब आपको टीचर प्रोजेक्ट देती है आप उस लड़की के साथ प्रेफर करते हो रहना ग्रुप में, आप उस लड़की के साथ प्रेफर रहना करते हो ग्रुप में जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, जो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाती है। ठीक है बेटा, क्यों, ताकि वो भी मेहनत करे आप भी मेहनत करो, मगर उसकी वजह से कौन, किसकी आइडेंटिफिकेशन हो, आपकी, और आप इससे अपने अंदर मल एडजस्टिव बिहेवियर को बाहर निकालते हो। ठीक है बेटा, मतलब आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए दूसरों की सक्सेस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन। जब आप सक्सेसफुल होने के लिए
आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हो दूसरों की सक्सेस के साथ। आप कैसे बोलते हो, हमारे स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन लाई मैट्रिक में, ट्वेल्थ में, ठीक है बेटा, हमारे स्कूल को डिबेट में फर्स्ट पोजीशन आई।